नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। भारत समेत दुनिया के लगभग हर देश में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ह्यूमन लाइफ इंटरनेशनल की साल 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि 93% लड़के और तकरीबन 62% लड़कियां 18 साल की पहले से ही पॉर्न साइट से वाकिफ हो जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि केवल 3% लड़के और 17% लड़कियों ने ही कभी इंटरनेट पोर्नोग्राफी नहीं देखी है, जिसका नतीजा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जी हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉस्को कानून के तहत अपराध है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था निजी तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या उसे डाउनलोड करना पॉस्को एक्ट के दायरे में नहीं आता है। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और पोर्नोग्राफी को लेकर हमारे देश में क्या कहते हैं नियम। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना और इसे अपने फोन या लैपटॉप में रखने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कोई चाइल्ड पॉर्न फॉरवर्ड करता है तो आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं या फिर देखते हैं तो आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। अदालत ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और इसे देखना पॉस्को एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए आपको बता दें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सुलझाया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना दोनों पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आएंगे। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि निजी तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या उसे डाउनलोड करना पॉस्को एक्ट के दायरे में नहीं आता है। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री से बदलने का सुझाव भी दिया है। बता दें कि साल मार्च महीने में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय में उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बाल पोर्नोग्राफी यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, किसी व्यक्ति के द्वारा इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट को देखना, डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रदर्शित करना अपराध है। किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट स्टोर्ड या उनके पास रखा गया है। पॉस्को एक्ट की धारा 15 के मुताबिक चाइल्ड पोर्न देखना, रखना, प्रकाशित करना और उसे प्रसारित करना अपराध है। वहीं धारा 15(2) चाइल्ड पोर्न से जुड़े कंटेंट को प्रसारित करने को अपराध बनाती है। ऐसे में ये भी जरूरी है कि हम जाने कि आखिर देश में पोर्नोग्राफी पर क्या कानून है। हमारे देश में प्राइवेट में पोर्न देखने में भले कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अश्लील वीडियो देखना, फोटो देखना, डाउनलोड करना और इसे वायरल करना अपराध जरूर है। ऐसा करने पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की कई धाराओं के तहत जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। धारा 67 के तहत पॉर्न कंटेंट देखने, डाउनलोड करने और वायरल करने पर पहली बार में 3 साल की जेल और 5,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की कैद और 10,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। धारा 67(a) के तहत मोबाइल में पॉर्न कंटेंट रखने और वायरल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल की सजा और 10,00,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 67(b) कहती है कि अगर किसी के मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा वीडियो या फोटो मिलता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10,00,000 के जुर्माने की सजा होगी। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल की जेल और 10,00,000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा।
देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉर्न देखने वाला देश है। भारत में निजी डिवाइस पर इस तरीके का मटेरियल देखने, सुनने और पढ़ने पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सरकार की ओर से समय समय पर बड़ी संख्या में पॉर्न वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इस पर लगाम लगाने में मुश्किल आ रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। इस तरीके के वीडियो बनाने वाली कंपनियां वेबसाइट्स के नए नए डोमेन लेकर आ जाती हैं। पोर्नोग्राफी के प्रभाव से बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए कड़े और सख्त कानूनों की जरूरत है। हालांकि प्रशासन के लिए चुनौती अभी होगी कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करवा पाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।